तो हे गाइस, आज की जो लेटेस्ट जॉब है आप सभी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ फ्रेश लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये जो आपकी कंपनी रहेगी वो डेटा फोर्स रहने वाली है, जहां पर आपको डेटा वेरिफिकेशन का वर्क करना होगा। अब यहाँ पर जो है आपको किस तरीके से काम को करना होगा, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किस तरीके से आपको यहाँ पर ड्यूटीज अपनी करनी होगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को आपको एंड तक देखना बिना स्किप करें, ताकि आपसे कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। सो गाइज, अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज, जैसा कि भी आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डेटा फोर्स का करियर पेज, जहां पर आपको आपकी डेजिग्नेशन देखने को मिल जाती है क्वालिटी एश्योरेंस एनोटेटर इमेज की। अब यहाँ पर यह आपकी रिमोट जॉब रहेगी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये आपकी डेजिग्नेशन देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइज, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क लोकेशन इन्होंने रिमोट जॉब वर्क फ्रॉम होम जॉब दी हुई है। एंगेजमेंट मॉडल आपका जो रहेगा वो फ्रीलांस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड रहने वाला है। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि SF, यानी कि इनको अभी अर्जेंटली जो है कैंडिडेट चाहिए इस जॉब के लिए। और यहाँ पर इन्होंने ड्यूरेशन दिया है इस प्रोजेक्ट का, जिस भी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड अंटिल मिड अगस्त में जो है आपका रहेगा। अवेलेबिलिटी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है मिनिमम 20 आवर्स पर वीक, यानी कि 20 घंटे आपको एक सप्ताह में करने होंगे। ठीक है, यानी कि आप आराम से एक एक घंटे भी अगर आप इस काम को कर लेते हैं ना पूरे दिन में, यानी कि 3 से 4 घंटे अगर आप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके एक हफ्ते में 20 घंटे कंप्लीट हो सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी जो है अपनी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं, बस ये है कि 20 घंटे वो पूरे आपके 1 वीक में हो जाने चाहिए। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डेटा फोर्स बाय ट्रांसपरफेक्ट इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड QA एनोटेटर टू ज्वाइन अवर टीम एंड वर्क ऑन अवर इमेजेस एनोटेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इमेजेस दी जाएंगी, जहाँ पर आपको डेटा वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। बाकी यहाँ पर जो भी आपका रोल रहेगा वो एक्यूरेसी और क्वालिटी आपके यहाँ पर जो है चेक करनी होगी आपको, जो भी आपको ये डेटा वगैरह देते हैं। तो सिंपली करेक्शन का आपके यहाँ पर वर्क होगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको एज अ रिव्यू करना होगा। ठीक है, दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इमेज रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी बाय रिव्यूइंग एंड एडिटिंग एक्सिस्टिंग एनोटेशन। तो आपको बस इतना करना है कि जो भी इमेजेस होंगी उसको आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, जो भी आपका रिव्यू सिस्टम होगा उस तरीके से जो अभी आपको ये टूल वगैरह देंगे उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर काम करना होगा। सिंपल सा काम है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो रिव्यू इमेज एनोटेशन कंप्लीटेड बाय एनोटेटर्स फ्रॉम एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रोवाइड फीडबैक टू एंश्योर एडहेरेंस टू गाइडलाइंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको रिव्यू करना होगा एनोटेशन इमेजेस को, कंप्लीट करके जो है आपको उसकी एक्यूरेसी जो भी उसकी कंसिस्टेंसी है वो प्रोवाइड करनी होगी एज अ फीडबैक, और वहां पर जो है आपको अपनी गाइडेंस के हिसाब से ही उसकी क्वालिटी को चेक करके उसको आगे सबमिट करना होगा। ठीक है, एंश्योर हाई एंड क्वालिटी डिलीवरेबल। तो जो भी आप काम यहाँ पर करके देंगे वो हाई क्वालिटी में यहाँ पर रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पर जो है आपको एडवांस फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन डेटा एनोटेशन ट्रांसक्रिप्शन रेटिंग क्वालिटी कंट्रोल इज प्रीफर्ड, यानी कि आपको जो है एक्सपीरियंस प्रीवियस होना चाहिए, डेटा एनोटेशन का होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन का अगर आपको है बहुत अच्छी बात है, रेटिंग आपको यहाँ पर करनी आनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर जो है आपको प्रीफर्ड देखने को मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स आपके पास रहनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग में भी आपको जो है इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं रिपोर्ट के इश्यूज को। ठीक है, गुड कंप्यूटर स्किल्स एंड कंफर्टेबल वर्किंग विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ आपको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी काम करना आना है, तो वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है। इंडिपेंडेंट आपको वर्क करना है मीट गाइडलाइंस से पहले, बाकी यहाँ पर पैशनेट रहना है आपको अबाउट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट प्लेस्ड एनवायरनमेंट टू लर्न क्विकली, आपको जो है जल्दी से जल्दी सीखनी आनी चाहिए चीजें। बाकी यहाँ पर इनकी कुछ गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है, डिटेल में ओरिएंटेड करना है, पेशेंस रखना है एंड गुड क्वालिटी पर फोकस्ड करना होगा। रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो भी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना वो सब नहीं
चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर इन्होंने प्लीज नोट में लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस रोल यू विल बी केयरफुली रिव्यू द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी गाइडलाइंस की चीजें आपको दी जाएंगी उसको आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है, ठीक है। इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करके ही आगे जो है आपको टेस्ट पास करने होंगे ताकि आपका वो इंटरव्यू ले सके, ठीक है। तो आपका कुछ तरीके से काम रहेगा। डेटा फोर्स बाय ट्रांसपेरेंट इज पार्ट ऑफ ट्रांसपरफेक्ट फैमिली ऑफ कंपनी लार्जेस्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो इन्होंने डेटा फोर्स के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज पर लेकर चलता हूँ, अप्लाई प्रोसेस फॉर दिस जॉब। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डाल देनी है, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सीवी रेज्यूमे आपको यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है, और उसके अंदर जो है आपकी स्किल्स एनोटेटर से रिलेटेड ही रहनी चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएं। तो अपना जो सीवी और रेज्यूमे है ना उसको अपडेट करके ही यहाँ पर अपलोड करना, ठीक है। कवर लेटर आपको यहाँ पर लिख देना है, जिनको नहीं पता कैसे लिखते हैं जाके गूगल चैट जीपीटी कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब तो कहीं भी आपको ये चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है व्हाट इज योर लोकेशन, करंट लोकेशन आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट डेट आपको बताना है, कब से आपको काम स्टार्ट करना है। हाउ मेनी आवर्स पर डे आर यू अवेलेबल आपको यहाँ पर बताना है, कितने घंटे आप जो है काम कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो यहाँ पर लिखनी है। आपको जो है एडवांस फ्लुएंसी इन इंग्लिश अगर आती है तो आप एलिजिबल हैं इस काम को करने के लिए। यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपको डेटा एनोटेशन से रिलेटेड प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको जो है लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपको डू यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्क एज QA एनोटेटर, अगर आपको QA एनोटेटर का पिछला कोई एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको शेयर करना है। और अगर आप 5 USD यानी कि 400 रुपये समथिंग अगर आप पर आवर लेना चाहते हैं तो क्या आप इस काम को कर सकते हैं, या फिर आपने पहले प्रीवियस वर्क में किया है तो आपको यहाँ पर बताना है यस और नो में, ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है इस एप्लीकेशन को। इसके बाद आपको जो है 1 वीक का वेट करना है, डेफिनेटली आपके पास जो है एक मेल आएगा, उसमें आपके बारे में वो सारी चीज जाएंगी, जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जो भी एचआर का आगे का प्रोसेस होता है वो सब आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जरूर से एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।